मनीम अल्लाह ताला की रहमत फजल करम और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। गाइज अभी जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज 22 दिसंबर था और बच्चों का जो है लास्ट डे था, पेपर थे तो बच्चों के आज आखिरी पेपर था और स्कूल से भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो गाइज अभी हमने खाना वाना खा लिया है और इशा की नमाज भी पढ़ ली है हमने। तो अभी जो है मैं ये बर्तन वगैरह जो है रख रही हूँ, तो बाद में जो है मैंने बच्चों को सरप्राइज़ देना है। बच्चे जो है गांव जाने के लिए बड़े ही एक्साइटेड थे। इधर आप देख सकते हैं मेरे सारे बर्तन वर्तन जो है वैसे पड़े हैं और इनको भी मैंने पैकिंग वगैरह करने के बाद जो है सारा कुछ धोना है। तो फ़िलहाल मैं ये चाबियाँ वगैरह रख लेती हूँ और इसके बाद जो है मैं बच्चों को सरप्राइज़ देती हूँ और उनको जाके कहती हूँ कि भाई हम तो जा रहे हैं और आप लोग अभी तक सोए पड़े हो। तो बस अभी जो है मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। बच्चे सोए पड़े थे, नींद नहीं थी, बस थोड़ा थोड़ा जाग रहे थे। असद असद हम गांव जा रहे हैं, जाना नहीं है गांव। अरे उठे बच्चे जी। अरे हम गांव जा रहे हैं। गांव नहीं जाना, जाने है जाने। तो बस पकड़ो कपड़ों कपड़े शपड़े पहनो बच्चे, तू तैयार हो जा, अभी तक तू बैठा है। अकेले जाना है या भाई बहन भाई को भी लेके जाना है? इनके काम चेक करो गाइज। आज सर्दी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि पता नहीं कितनी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज कितनी सर्दी है। तो चले भी उठे बच्चे, अपनी पैकिंग शैकिंग करो जी। बेबी सोना है तो सो जाओ वरना उठ जाओ, और हम पैकिंग कर रहे हैं, शादी पे जा रहे हैं अभी। के कपड़े जो हैं हमने निकाल लिए हैं और ये असद हमजा के हैं, सेम सेम ड्रेस होती हैं। तो एक दो तीन चार, बस चार ड्रेस जो हैं काफ़ी हैं, चार चार सूट इनके, क्योंकि इनके साथ साथ इनर्स वगैरह भी हैं और इनकी ये जैकेट्स वगैरह भी हैं, तो लेके जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बरीरा के भी तीन ड्रेस हैं साथ साथ, और मैं भी तकरीबन दो या तीन ही लेके जाऊंगी। तो मेरे जो हैं वो हैंग हुए खड़े थे और ये जो है मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे, और ये मैं निकाल लूँ ज़रा, हट जा बेबी। और ये है मेरे न्यू ड्रेस जो मैंने ऑनलाइन परचेज भी किए थे कुछ, और ये पहले भी मैंने सिलाई करवाई है, ये देख सकते हैं आप। तो एक ड्रेस ये है, इसको ऐसे करके दिखाती हूँ, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो बस ये तीन ड्रेस काफ़ी हैं, और एक और भी है, ये प्लची के दुपट्टे वाला है। तो बस इनमें से दो या तीन लेके जाऊंगी। गाइज इतने ही कपड़े हैं और आप देख सकते हैं बस दो दो चार चार सूट करते करते आधे घर के कपड़े जो हैं वो जमा हो चुके हैं, और अभी तक तो मेरे हस्बैंड भी साथ नहीं रहेंगे, तो बस ये बच्चों के और मेरे ही हैं। तो बस अभी जल्दी जल्दी से हम इनकी पैकिंग करते हैं और फिर जो है हम आप लोगों से मिलते हैं। गाइज पैकिंग वैकिंग कर ली है हमने और बच्चों के कपड़े जो हैं मैंने सारे जो है प्रेस करके खड़ा दिए हैं, जो सुबह इनको गांव पहना के जाना है। तो बच्चों ने दूध वगैरह भी पी लिया है और बच्चे जो है अभी सोएंगे इंशाल्लाह। अभी जो है हम आप लोगों को सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह गांव जाते हुए टाइम। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ही कमाल की वीडियो होने जा रही है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह के टाइम। आज दूसरा दिन हो चुका है और जुम्मा की नमाज़ भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मा के दिन था तो जुम्मा की नमाज़ हमने पढ़ ली है और बच्चे भी बिल्कुल रेडी शेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है हम गांव जाने के लिए रवाना हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी हम आप लोगों को गाँव ही में मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह अभी जो है हम आप लोगों के साथ गाँव में बात करते हैं। तैयारी कर ली है, तो अभी जो है मैं इसमें से अपनी कुछ चंद चीज़ें निकाल लूँगी जो कि मुझे उधर ज़रूरत पड़ती हैं। तो ये भी ले लूँगी, ये भी, और ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये।
ये भी। ये सारी चीज़ें जो है मैं बैग में रखूँगी। ये हैंडफ्री उठा रही हूँ। उधर गांव में ना बड़ा शोर होता है बच्चों का, तो मुझे अपनी वीडियो वगैरह एडिट करने में बड़ी मुश्किल होती है। बस ये लगाया और मज़े से अपनी वीडियो एडिट करो, बस काम खत्म।